जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। बात सुनो, कोई जवाब दिया तसल्ली बख्श तुम्हारी बहन ने? हाँ भाई, वहां से बहुत देर हो गई, अब शादी कराई दो वफा से। मेरी दिमाग खराब है तेरा? वफा कोई प्लेट में रखी हुई मिठाई है जो उठा के तेरे मुंह में डाल दूं? एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है और तू मैट्रिक किया। मेरा बेटा भी हीरा है, किसी से कम नहीं। मैट्रिक है तो क्या हुआ? अब्बा देख ना, शाकिर की दिवालिया फैक्ट्री है ना, इसको आसमान पे पहुंचा दूंगा, ऐसा प्लान है मेरे जहन में। तेरे अब्बा जितने टेम लगा रहे हैं ना, तो इस फैक्ट्री को जो ताले है ना, जंग लग जाएंगे, खुलने वाला नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद से कोई बात करे। बहन है, उसे शक हो गया तो हफ्ता हो गया है ना, अब कर ही लो ना बात। अच्छा जाता हूँ, थोड़ी देर मैं चलूं। ये बच्चियां नजर नहीं आ रही। वो माहम का तो आखिरी सेमेस्टर चल रहा है तो इसलिए जरा देर से आती है। आप चाय लेना निसार भाई। सफदर तुम भी चाय लो बेटा। फूफो जब बेटा बोलती हो ना, ऐसा लगता है इसी घर का फर्द हूं मैं। अब वफा कहाँ है? वफा नौकरी तलाश करने के लिए निकली हुई है। क्या वफा और नौकरी? देखे पप्पो, लड़की का जॉब करना है ना, बिल्कुल पसंद नहीं ईमान से। तो कहीं मुलाजमत मिली या यूं ही मारी मारी फिर रही है? हाँ कह रही थी कि बात बन रही है, हो जाएगी जॉब इंशाल्लाह। लड़कियों के मुलाजमत करने से घरों के मसाइल हल नहीं होते। गलत सोच रही है वफा, समझाएं आप उसे। मैं तो बहुत समझा चुकी हूँ, बात नहीं सुनती है किसी की। वक्त मुझे किस मुकाम पर ले आया है, उस मंजिल से कितनी दूर आ गई हूँ जहाँ हाशिर मेरा मुंतज़िर है। मां चाहती है कि हम शादी कर लें, मगर क्या मैं भी यही चाहती हूँ? शायद हाँ, लेकिन मैं उन मसाइल से उसे कैसे झोंक दूँ जो मेरे नसीब का हिस्सा है। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए खुद को मिटा देगा, लेकिन मोहब्बत किसी को मिटाती तो नहीं है, तो मैं उसे अपने हाथों से कैसे मिटा दूं? यकीन टूटता जा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। थैंक्स। अच्छी बात है कि तुम्हारा यकीन मुझ पर कमजोर हो रहा है। मेरा यकीन कमजोर नहीं हुआ वफा, बल्कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा। तुम्हें तो शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारा बदला हुआ मिजाज मुझे कितना दुख दे रहा है। ये सब कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, जो कहना चाहता था वो सुनना नहीं चाहोगी तुम। और वैसे भी तुम्हें यहाँ देखकर भूल सा गया क्या कहना था। मेरे लफ्ज़ों में आवाज़ नहीं रही। खैर, तुम ही कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? किस्मत ने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ तुम्हारा हाथ छूट गया है मुझसे। क्यों छोड़ना चाहती हूँ मेरा हाथ? क्या ज़िंदगी के रास्तों पर हम साथ नहीं चल सकते? माना कि मेरे पास दौलत नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से निकाल सकूँ, लेकिन वो हिम्मत है जो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किसी भी चट्टान से टकरा सकती है। तो मुझे आजमाओ तो सही। क्या आजमाऊँ मैं तुम्हें आशिर? बात यकीन की नहीं है, बात मजबूरी की है। तुम जानते हो हम पर कितना कर्जा है। बाबा की सारी जायदाद कर्जा छुटाने में लग गई है और जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो बाबा की जिंदगी भर की पूंजी थी। सब कुछ मेरे सामने लुट रहा है, मैं तमाशा ही बनकर रह गई। मैं जानता हूँ दानियाल को, वो दौलत के मामले में बहुत बदलियाज आदमी है और अपने कर्ज की वसूली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। तुम क्या बात करोगे उनसे? नहीं, तुम्हारी भी मुलाजमत खतरे में आ सकती है और मामला भी और उलझ सकते हैं। देखो, नौकरी की तो परवाह नहीं है मुझे। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी कानूनी पेचीदगी में ना फंसा दे। जानती हूँ, इसी बात का तो डर है। दिल पर इतना बोझ है कि उठाए नहीं उठता। मैं भी तो यही चाहता हूँ वफा, कि जिंदगी का दिया हुआ हर बोझ हम मिलकर उठाएं। यही जिंदगी की खूबसूरती है और शायद यही वक्त की ज़रूरत भी। मुझे एक मोहब्बत भरा घर चाहिए, प्लीज़। बेघरों से घर मांग रहे हो? ठहर जाओ आशिर, मुझे संभलने दो। कहाँ है? दवा खाकर सो गई हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या मतलब? मतलब पुप्पो होती तो डांटती ना, बेटा आते जाते क्यों नहीं हो? क्या है, क्यों आए हो? मैं तुमसे बहुत अहम बात करने आया हूँ। हम सबका भला है इसमें। सफदर देखो, कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मैं बता रही हूँ अभी मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। अब्बा है ना मेरे, पैसा बनाने की मशीन समझते हैं मुझे। रात दिन काम कराते हैं, मेहनत करता हूँ जैसे मेरी कोई जिंदगी नहीं है। तो क्या चाहते हो? मैं अपनी ग्रुप ऑफ कंपनी बनाना चाहता हूँ। नाम भी सोच लिया मैंने। तो बना लो, क्या मुसीबत है? पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में तुम मेरा साथ दो। मैं क्यों भाई? तुम समझ नहीं रही हो। मैं अपने अब्बा के बिजनेस में से हिस्सा मांग लूंगा, तुम अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग लेना। ठीक है ना? आधा तुम्हारा, आधा मेरा, मिलाकर एक हो गया। मैं जानती थी कि तुम ऐसी ही कोई फजूल बात करोगे। सफदर, एक दफा कान खोलकर सुन लो, ना ही मेरे पास कोई जायदाद है और ना ही कोई हिस्सा। बेहतर होगा तुम अभी यहाँ से फौरन चले जाओ। जाओ। नहीं यार, कितनी लापरवाह हो तुम। मैं कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारा क्या है, आज मुझे ढूंढ रहे हो, कल किसी और को ढूंढ रहे होगे। तो और क्या, सारी जिंदगी तुम्हें ही ढूंढता रहूंगा। ढूंढने के बजाय अगर तुम एक नजर क्लास में झांक लेते तो मैं तुम्हें मिल गई होती। तुम्हारे क्लास में जाना नहीं होता, मेरा तो होता है ना जाना। सुनो, तुमने मुझे जाना कहा? जी नहीं, जाना से मुराद चलकर जाना। 2 लेक्चर तुम मिस कर चुके हो अंसारी साहब के। एग्जाम में क्या लिखोगे, जाना जाना। छोड़ो ये लेक्चर वेक्चर यार, मुझे कौन सा आइंस्टाइन बनना है। बाय द वे, तुम्हें आइंस्टाइन के बारे में कुछ पता भी है? सब पता है मुझे। मरने से पहले उसने अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल किया था और मरने के बाद हमारा इस्तेमाल कर रहा है। वो कैसे? अब देखो ना, हम दोनों दोस्त हैं और शायद एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। शायद? तो हमें अपनी बातें करनी चाहिए, हम तो उसकी बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें मोहब्बत जैसे संगीन और संजीदा मसले पे बातें करनी चाहिए। यार उमैर, मैं खुश होना चाहती हूँ लेकिन मेरे घरेलू हालात मुझे खुश होने नहीं देते। एक के बाद एक मुश्किल खड़ी है दरवाजे पर। अच्छा मुझे बताओ, हालात क्या कहते हैं? मेरे हालात जो कहते हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरी बहन अकेली उन हालात से मर्दाना वार मुकाबला कर रही है। अच्छा, एक लड़की मर्दाना वार मुकाबला कैसे कर सकती है? वो तो जनाना वार मुकाबला ही करेगी ना। देखा, मुझे मालूम था। तुम सिर्फ मजाक उड़ा सकते हो किसी का, मदद नहीं कर सकते किसी की। अरे मजाक कर रहा था, उड़ा नहीं रहा था। अम्मी कुछ भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट के तहत हमारा ये घर दानियाल साहब की मिल्कियत बन सकता है। वो उस घर को बेचकर कर्ज की रकम हासिल कर सकते हैं। फिर कहाँ जाएंगे हम? मैं कहाँ तुम दोनों को लिए लिए फिरूंगी। बेटा बेटा उनसे वक्त मांगो। मैं अपना दामन फैला के इल्तिजा करूंगी उनसे। नहीं अम्मी, हम किसी के आगे दामन नहीं फैलाएंगे। हम किसी से सुख की खैरात नहीं मांगेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये घर हमारे सरों पर आखिरी साहिबान है। तुम्हारे बाबा की मेहनत का पसीना शामिल है इसकी एक एक ईंट में। बड़ी ख्वाहिशों से बनवाया था उन्होंने ये घर। भूल जाए अम्मी, शायद बाबा की इज्जत के लिए हमें ये कदम भी उठाना पड़े। आप प्लीज अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें। दानियाल साहब का फोन है। हेलो जी, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। आप वफा हैं? जी मैं वफा बात कर रही हूँ। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। जी मैंने इंतजार किया आपका। कुछ कानूनी मामलात हैं, आपने क्या सोचा? जी मैंने एग्रीमेंट पढ़ लिया है। आपको कानूनी इख्तियार है, हमारा मकान आपके पास गिरवी है। देखिए वफा साहब, कुछ मजबूरी है। कंपनी अपना नुकसान किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी मजबूरियों का भी मुझे अंदाजा है। मैंने आपसे अपनी मजबूरियों की तो बात नहीं की। शायद आपने मेरी बात का बुरा मनाया, लेकिन हम कारोबारी लोग थोड़ा अपने असूलों से मजबूर होते हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। इस एग्रीमेंट के बारे में जरा कल फाइनलाइज कर लीजिएगा। कहाँ आना है? मैंने मीटिंग वैसे रेस्टोरेंट में रख ली है। मैं नहीं चाहता आप जैसी बाइज्जत घराने की लड़कियों के चक्कर ऑफिस में लगे। तो फिर आप आ रही हैं ना? जी हाँ ठीक है। ऑफिस बेटा, कुछ वक्त तो मांग लेती उनसे, शायद वो कुछ सोचते। क्या फायदा अम्मी, कुछ दिन के बाद कहाँ से लाएंगे? दानियाल साहब, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपका कर्ज अदा कर सकें। आपको इख्तियार है कि आप हमारा मकान फरोख्त कर लें और अपना कर्ज वसूल कर लें। देखो वफा, जिंदगी हमारे सामने शर्तें रखती है, फिर कहीं जाके हमें जीने का मौका देती है। कभी हम वो शर्तें मान लेते हैं और कभी रद्द कर देते हैं, मगर हमारे हर फैसले का असर हमारे आने वाले लम्हात पर पड़ता। मैं भी तुम्हारे सामने कुछ जिंदगी की शर्तें रख रहा हूं, अगर तुम चाहो तो उन्हें कबूल कर लो, चाहो तो उन्हें रद्द कर दो। शर्तें? कैसी शर्तें? मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए कुछ तजवीज रख रहा हूं, जो एक बावकार तजवीज है, तुम्हारी सारी उलझनों का हल है। और मैं जानता हूं कि तुम अपने घर वालों के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करोगी। Am I right? जी, क्योंकि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जो तजवीज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं वो तुम्हें एक और बड़ी कुर्बानी देने पर मजबूर कर सकती है। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? आप जो कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहें। साफ साफ ही कह रहा हूं, वैसे भी मैं धुंधली बातें करने का खुद भी कायल नहीं। पहले ये गौर से समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं, इससे तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। कैसा फैसला? घबराओ नहीं वफा, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वो मकान जो तुम्हारे फादर ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक बड़ी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे तुम अपने घर वालों की कफालत कर सकोगी। अगर आप ऐसा क्यों करेंगे? मैं पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पूछना तुम्हारा हक है। मैं ये सब इसलिए करूँगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बाकायदा शादी, शरई तरीके से। क्या शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास से शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है साथ में। ये शादी तो शरई होगी, लेकिन तुम्हें इसे दुनिया वालों से खुफिया रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों के हमारी शादी के बारे में इल्म हो। आप जिस शादी की बात कर रहे हैं उसकी रजामंदी मैंने कब दी है? आप अपने आप को समझते क्या है? लोगों के जज्बात बराए फरोख्त होते हैं, मोहब्बत और सच्चाई फुटपाथ पे बिकने वाली अशिया है। मैं आपकी मकरूज हो तो क्या, आपकी कनीज भी बन जाऊं? आप चाहे तो मुझे फुटपाथ पे खड़ा कर दें और आप चाहे तो मुझे निकाह में ले लें, जैसे मेरा मेरे वजूद पे कोई हक ही नहीं। I'm sorry वफा, I'm really... मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपको अपनी वजह से हासिल करना चाहता हूं, कर्ज की वजह नहीं है। दिल किसी पर आ जाए तो बेचारा क्या करे। मुझे मालूम है कि कोई किसी की जिंदगी का हिस्सा जबरदस्ती नहीं बन सकता, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच के जवाब दे सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, लेकिन एक बात, तुम अगर मेरी मकरूज नहीं भी होती तो मैं तुम्हें देखने के बाद हासिल करने की कोशिश जरूर करता, क्योंकि तुम्हें मेरी रूह ने पसंद किया और रूह पर हमारा जोर कब है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी। बस ये आखिरी सेमेस्टर है, इसके बाद तो मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी। वैसे भी अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अल्लाह आपको सेहत दे बहन, लेकिन आपको पता तो है कि माहम के बाबा के इंतकाल को अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, हमें संभलने में जरा वक्त लगेगा। अरे बहन, घर की बात है, आप ज्यादा बखेरों में मत पड़ें। बेटी को सादगी में रुखसत कर दें। जब आप लोग फर्निश फ्लैट दे ही रहे हैं जहेज में और सलामी में उमैर को गाड़ी, तो ज्यादा फजूल खर्ची की क्या जरूरत है जी? फर्निश्ड फ्लैट और गाड़ी? भाई अल्लाह जवारे रहमत करे शाकिर एहसान भाई को, ये उन्हीं का वादा था। जी जी मैं जानती हूँ, लेकिन पहले हालात और थे, अगर वो जिंदा होते तो। भाई मेरा तो एक ही बेटा है, मैं तो सारे अरमान पूरे करूंगी। लेकिन हम लोग फर्निश्ड फ्लैट और गाड़ी तो नहीं दे सकते। अरे बहन, घर वाली बात है, फर्नीचर की कोई जरूरत नहीं। आप बगैर फर्नीचर के हमें घर दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, हमारे अभी इस तरह के हालात नहीं है कि हम माम की शादी कर सकें, ना ही हम आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। लो भाई, ये तो अपने वादे से ही फिर गई। अगर ये बात है तो हमारी तरफ से रिश्ते को खत्म ही समझें। चलिए, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। बाजी, एक ही तो खुशी रह गई थी मेरी जिंदगी में, वो भी नहीं रही। आप फिक्र नहीं करें, मैं उमैर की अम्मी से बात कर लूंगी। वो तो तुम कर लोगी बेटा, लेकिन अपनी मुलाकात का तो बताओ, क्या कहा दानियाल ने? हमें कोई हल नहीं निकला। 2 दिन दिए उन्होंने सोचने के लिए, कंफ्यूजन में डाल दिया मुझे तो। अल्लाह खैर करे बेटा, लेकिन बेटा वो कारोबारी आदमी है, उससे ज्यादा बहस मत करना, उससे उलझना मत, जो कहे वो मान लेना। मुझे इस घर का दुख तो कबूल है, लेकिन तुम्हारा दुख नहीं झेल सकती। अम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके और माहम की जिंदगी में कोई भी गम आने से पहले ही मैं उसे रोक दूँ। क्यों बाजी, सिर्फ मेरी और अम्मी की जिंदगी में क्यों? आपकी जिंदगी क्या हमसे अलग है? जिंदगी तो अलग नहीं, मगर हम सबके नसीब अलग हैं। बेटा हमें कोई ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुम्हारे दुख का बायस बने। हमें मेरे पास भी आपकी मोहब्बत की ताकत के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बाजी, सब ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है, मगर हो ही जाएगा। इरादों और फैसलों के दरमियान हमारी किस्मतें खड़ी हैं। अम्मी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आपने नोटिस किया? बाजी बहुत परेशान लग रही है उस दानियाल से मीटिंग के बाद। अल्लाह करम करे बस मेरी बच्ची पर। तुम्हारे बाबा को क्या पता था कि जिन बच्चियों को उन्होंने फूलों की तरह से पाला है, वक्त उन्हें कांटों पे चलने पे मजबूर कर देगा। दानियाल साहब, मुझे बताना था, मैं अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई। क्या अब तक कोई फैसला नहीं किया? तो वफा, इसमें दुश्वारी क्या है? मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, कोई गुनाह नहीं कर रहा, और फिर इस शादी से तुम कितना बड़ा मसला हल कर रही हो। मसला मेरी छोटी बहन और माँ का है, वो दोनों राजी नहीं है, और मैं इतना बड़ा फैसला उनकी रजामंदी के बगैर नहीं कर सकती। वफा, तुम्हारी अम्मी और बहन को आने वाले वक्त की हौलनाकी का अंदाजा नहीं है। वो शायद समझ नहीं पा रही कि वो किन मुश्किलात में आ जाएंगी। देखो, एक दूसरे के लिए जज्बाती होना अच्छी बात है, मगर ये जज्बातियत हमाकत पर मबनी नहीं होनी चाहिए। दानियाल साहब, मैं सब हालात समझ रही हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें समझाता हूँ वफा। देखो, वो लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम सब कुछ समझ रही हो। फैसला तुम खुद करो, प्लीज। अभी अभी ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें बहुत आसान हल बता रहा हूं, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हूं और तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। हम दोनों खामोशी से निकाह कर लेते हैं, ना मैं किसी को बताऊं और ना तुम अपने घर वालों को। ये मुमकिन नहीं है, मैं घर से अलग कैसे रह सकती हूँ? मैं ये शादी नहीं निभा पाऊंगी। तो तुम अपने घर से अलग नहीं रहोगी, बल्कि घर वालों के साथ रहोगी। कह देना कि मैंने 1 साल का टाइम मांग लिया कर्ज की अदायगी के लिए। लेकिन शादी शादी के बाद तुम एक फ्लैट पर होगी। मुलाजमत के लिए रोज घर से निकलोगी वफा, लेकिन वो दफ्तर नहीं बल्कि फ्लैट पर बीवी बनकर रहोगी। किसी को शक नहीं होगा कि हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन फिर एक शर्त मेरी भी है कि आप मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करेंगे। कैसी बात कर रही हो वफा? तुम्हारे मिलने के बाद क्या जाता है हासिल करने को? शादी मेरा मशगला नहीं है, तुम मेरी ख्वाहिश हो, मेरी तमन्ना हो। तुम ये बात आसानी से समझ सकती हो कि मैं जितना पैसा इस शादी पर एक तरह से खर्च कर रहा हूं, इतने पैसे में तो मैं 10 शादियां कर सकता हूं। यकीन करो वफा, तुम मेरी रूह की पसंद हो। मैं तुम्हें अपनी रगों में बहने वाले खून नहीं दिखा सकता, वरना मेरा यकीन करो वफा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख तुम्हारे। ये पेपर तुम अच्छी तरह पढ़ लो। ये कानूनी एग्रीमेंट है जिस पर मैं भी कायम रहूंगा और तुम भी कायम रहना। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मेरे माजी से कोई सरोकार नहीं होगा। हम एक दूसरे के आने वाले सिर्फ कल के बारे जरूर होंगे, लेकिन माजी के। मगर दानियाल साहब। दानियाल साहब नहीं, सिर्फ आज से सिर्फ दानियाल कहोगी तुम मुझे। कल सुबह हम कोर्ट मिल रहे हैं और वहाँ हम बाकायदा निकाह करेंगे। अम्मी, 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 वो यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है, लेट फीस के साथ मेरी फीस अदा कर दी गई है। क्या फीस अदा कर दी गई है? किसने की? मालूम नहीं अम्मी, मैं ऐसा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ पूछो तो। ये ले। ये क्या है बेटा? आपके घर की फाइल। क्या दुआ कर रही थी अम्मी? अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी बेटा कि वो शख्स कर्जे की रकम किस्तों में लेने पे तैयार हो गया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना सिर्फ ये, उन्हीं की सिफारिश से मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है, वो भी अच्छी तनख्वाह पर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा बेटा, इसे कहते हैं हालात का बदलना। अब तो आपके दिल पर कोई बोझ नहीं है ना अम्मी? बोझ तो है बेटा, एक बोझ है। तुम दोनों बहनों को दुल्हन बने देखना चाहती हो। अम्मी प्लीज अब ये शादी की बातें छोड़ें, अभी बहुत लंबा सफर है और आप जानती हैं मेरी वर्क टाइमिंग्स काफी मुश्किल हैं, मुझे रात को आते आते देर भी हो सकती है। अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं तो जाहिर है देर सवेर तो होगी ना बेटा, लेकिन उन्होंने तुम्हें कागजात कैसे दे दिए? तुम पे इतना भरोसा कैसे कर लिया? एक बॉन्ड पेपर साइन करवाया उन्होंने। बॉन्ड? कैसा बॉन्ड बेटा? बाद में कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? कोई मुश्किल नहीं होगी अम्मी, और होगी भी तो मुझ तक ही महदूद रहेगी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटा। आज तुम्हारे बाबा की रूह बहुत खुश होगी। अरे अरे, ये क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं, बस घर के दुख सुख कह रही थी वफा से। वफा बाजी, याद आया कि मेरी फीस किसने पे की है? पता ही नहीं चला। होगा कोई नेक इंसान, तुम मालूम कर लो, हम उसके पैसे लौटा देंगे। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। क्यों, हमारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी समझ लो। तो इसका मतलब है कि अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। खसारे हमारी वजह से होते हैं, फायदे अल्लाह मियां की वजह से। ये तो है। अच्छा ये तो बताएं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? नाम अजीब सा नाम है, मेरे ज़बान पे ही नहीं चढ़ता। मैं कल बता दूंगी। चले खैर है, कंपनी का नाम चाहे जो भी हो, आपकी कंपनी का मालिक तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि उसे हमारी मुश्किलात से कोई ज़ाती दिलचस्पी है। काइंड जेंटलमैन। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसी तरह फूलों का रास्ता बना के तुम्हारे दिल में आऊंगा, चाहत का दीप जलाऊंगा और महकती हुई एक बात कह दूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है। ना प्यार छुपा के रखा है अपने दिल में मेरे लिए दानियाल। बीवी हो तुम मेरी, मेरा बस चले तो पूरी दुनिया से छुपा के रख लूं तुम्हें। आप प्यार तो दिल में छुपा कर रख सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।